नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। क्लासिक किस्से के इस एपिसोड में आज हम आपको महान अभिनेता महमूद साहब से जुड़ा हुआ वो मार्मिक किस्सा सुनाते हैं जब उन्होंने कहा था कि उन्हें दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह कोई कोरी कल्पना नहीं अपितु महमूद साहब पर लिखी गई हनीफ जावेरी की किताब महमूद अ मैन ऑफ मेनी मूड्स के 20वें चैप्टर पर लिखी एक सच्ची घटना है। दरअसल महमूद साहब ने यह बात अपने मरने से ठीक एक वर्ष पहले ही बताई थी। उन्होंने कहा था कि भले ही मैं मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता हूँ पर मुझे दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाए, क्योंकि अगर मुझे दफनाया गया तो किसी एक जगह पर मेरी कब्र बनाई जाएगी, जबकि मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार किया जाए और मेरी अस्थियों को 3 अलग अलग जगहों पर रखा जाए, क्योंकि इन तीनों जगहों और तीनों व्यक्तियों से मैं समान रूप से प्रेम करता हूँ। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि ये तीनों जगह और तीनों व्यक्ति कौन हैं? दरअसल महमूद साहब अपने पिता मुमताज अली, माताजी लतीफुन्निसा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे और इन तीनों ही के कब्र अथवा समाधियां 3 अलग अलग जगहों पर स्थित है। जहां इनके पिता मुमताज अली का कब्र इनके बैंगलोर स्थित फार्म हाउस पर है, वहीं इनकी माताजी का कब्र मुंबई के चांदीवली में स्थित है। ऐसे में महमूद साहब को किन्हीं एक के सामने दफनाया जाना मंजूर नहीं था। जब इस बात को उस दौर की दो फिल्मी पत्रिकाओं शमा और सुषमा में छापा गया तो महमूद साहब के परिवार वालों एवं रिश्तेदारों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए पत्रिका वालों से कहा था कि इस बात को आप तत्काल ही अपनी पत्रिका से हटा लें, नहीं तो इस खबर से संभवतः सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। इधर महमूद साहब को भी उनके परिवार वालों ने ही काफी समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर इन्होंने अपनी ये अंतिम इच्छा बदली थी। बाद में सन 2004 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में हुई तो इन्हें भारत लाया गया तथा इनके अंतिम दर्शन के लिए इन्हें महबूब स्टूडियो में रखा गया था, जहां भारी मात्रा में फिल्मी सितारे एवं इनके चाहने वाले जुटे थे। इसके बाद इन्हें बेंगलुरु स्थित इनके फार्म हाउस में दफनाया गया था और इस तरह से महमूद साहब अपने 3 आदर्शों में से एक के समीप चिर निद्रा में सो गए। तो ये थी महान अभिनेता महमूद साहब पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।